दुनिया में पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन के नाम से फेमस श्रीलंका एक आइलैंड है जो साउथ में हिंद महासागर और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। ये अपने खूबसूरत बीच और झरनों के लिए टूरिस्ट के फेवरेट स्पॉट में से एक है। आज हम आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका का क्षेत्रफल वेस्ट वर्जीनिया से थोड़ा सा बड़ा है। इसका ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। 1972 तक इसका नाम सीलोन था, जिसे बदलकर लंका कर दिया गया और 1978 में इसके आगे सम्मान के लिए श्री शब्द जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। ये इतना छोटा है कि यहाँ सिर्फ 9 राज्य हैं, जिसमें 25 जिले हैं। श्रीलंका के बारे में भारत के फेमस ग्रंथ रामायण में भी बताया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच भगवान राम की वानर सेना ने एक पुल बनाया था, जिसका नाम राम सेतु है, जो आज भी वहां मौजूद है। भारत की तरह श्रीलंका भी क्रिकेट का दीवाना है, जबकि यहां का नेशनल गेम वॉलीबॉल है। लगभग 2300 साल पहले श्रीलंका की पूरी आबादी हिंदू धर्म को मानती थी, लेकिन अब 70% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि 13% हिंदू, 10% मुस्लिम और 7% ईसाई हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र को जाता है, जिसने यहाँ आकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ एशिया में श्रीलंका के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट 92% से भी ज्यादा है। श्रीलंका ही पहला ऐसा देश है जिसने दुनिया को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, जिसका नाम श्रीमाओ भंडार नायके था, जो 1960 में श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी। श्रीलंका में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कोलंबो में है, जिसका नाम भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसे कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट पेड्रो है। इस पर्वत पर चढ़ने की परमिशन किसी को नहीं है, क्योंकि ये सेना का एक हिस्सा है। श्रीलंका में 23 जुलाई 1983 को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों के बीच गृह युद्ध हुआ, जो 25 साल तक चला और 2009 में खत्म हुआ। इसमें लगभग 80,000 लोगों की जान गई थी। श्रीलंका में चले युद्ध के दौरान एक आतंकी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यानी LTTE बना, जिसने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। हिंद महासागर के पास होने के कारण श्रीलंका में पानी के झरने बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और पूरे श्रीलंका की बिजली इन्हीं झरनों से बनाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।